Good morning, children. I hope you all are keeping fine and are ready for today's class. Am I right? Are you ready? Okay. Then let's start our class. Children, we were doing the lesson number 2 from your English literature book. The name of the lesson is Tom Meets the Water Babies. In my previous class, I had read out the complete lesson for you children so that you can also read at home. And I suppose many of the children might have read the lesson also at sitting at home. So now today in this class, I am going to explain you the lesson. The Tom Meets the Water Babies, I will be explaining you this lesson. But before going to the explanation part, let us first see what are water babies. Does anybody know what are water babies? Kisi ko pata hai what are water babies? Okay. Chalo main bata deti hu aap logo what are water babies. वाटर बेबीज जो होते हैं वो ऐसे जीव होते हैं या ऐसे प्राणी होते हैं जो दिखने में इन अपीयरेंस दे लुक एग्जैक्टली लाइक ह्यूमन बीइंग्स. वो दिखने में बिल्कुल इंसानी बच्चों के जैसे दिखते हैं, ह्यूमन बीइंग्स के बच्चों जैसे दिखते हैं, पर वो रहते कहाँ पे हैं? पानी में. सो व्हाट आर वाटर बेबीज? वाटर बेबीज वो जीव होते हैं या वो क्रिएचर्स होते हैं विच लुक लाइक ह्यूमन which looks exactly like the babies of the human beings, but they live in water. Okay, so now let's start our lesson. Come to page number 24 of your book. Open page number 24. Okay. Now let's start the lesson. Rivers are very important source of fresh water. We need water for most of our daily goals. Here are some ways in which we use water at home. What are they saying? Rivers are an important source of fresh water. नदियाँ हमारी जो होती है वो natural source of water होते हैं. वो क्या होते हैं हमारे? हमको जो fresh water मिलते हैं उसका सबसे बड़ा स्रोत या सबसे बड़ा source वो क्या होते हैं? हमारी rivers होती है, हमारी नदियाँ होती है. ठीक है. अब वी नीड वाटर फॉर मोस्ट ऑफ आर डेली गोल्स. हमारे डेली लाइफ में हमको पानी की कितनी ज़रूरत होती है. वाटर इज एन एसेंशियल सोर्स ऑफ लिविंग. ठीक है. हमारे जीवन में, हमारे डेली रूटीन में हमको पानी की इतनी ज़रूरत, हम डिपेंडेंट रहते हैं पानी के ऊपर. हम तो वही वो बात बोल रहे हैं. वी नीड वाटर फॉर मोस्ट ऑफ आर डेली गोल्स. हमारी जो डेली के जो जो वर्किंग है उसमें हमको पानी की कहाँ कहाँ पे ज़रूरत होती है वो यहाँ पे दिया हुआ है. हियर आर सम वेज इन विच वी यूज वाटर एट होम. ये पिक्चर्स दिए हुए हैं आपको. 4 पिक्चर्स आर गिवन एंड दे आर टेलिंग यू दैट दीज आर द वेज इन विच वी नीड वाटर फॉर आवर डेली रूटीन. ओके. द फर्स्ट पिक्चर इज वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग. ये रहता है ना पानी, दैट इज मस्ट. वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग. सेकेंड, वॉट इज इट, वॉट इज दिस पिक्चर शोइंग? वी नीड वाटर फॉर गार्डनिंग. हमको हमारे घर के आंगन जो गार्डन है या बगीचा है या जो पेड़ पौधे हमारे घर पे लगे उसको हमें पानी देना रहता है कि नहीं? हम देते हैं ना पानी हमारे पौधों को. तो पौधों को पानी देने के लिए हमको पानी की ज़रूरत पड़ती है. हमको रोज नहाने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है. वी नीड वाटर फॉर बाथिंग. एंड द फोर्थ वन इज वी नीड वाटर फॉर कुकिंग. तो आपने देखा, फॉर ड्रिंकिंग वी नीड वाटर, फॉर गार्डनिंग और वाटरिंग द प्लांट्स वी नीड वाटर फॉर बाथिंग, वी नीड वाटर फॉर कुकिंग. सो कितने ऐसे वेज है, कितने ऐसे डेली रूटीन्स हैं जो डिपेंड हम रहते हैं सिर्फ पानी पे. और एक दिन अगर हमारे पास पानी नहीं है तो हमारा सारा का सारा काम जो है वो हैंडल हो जाता है. इसीलिए ऐसे में क्या करना चाहिए, जब हमारी नदियाँ हैं, हमारे जो भी सोर्सेस ऑफ वाटर है उनको हमेशा हमें क्लीन एंड पोल्यूशन फ्री रखना है. उसको कंटामिनेट होने से हमें बचाना चाहिए. ओके. कैन यू थिंक ऑफ टू वेज इन विच वी कैन कीप आवर रिवर्स क्लीन. दे आर आस्किंग यू कि कोई दो वेज बताओ जिसके थ्रू हम हमारे रिवर्स को जो है वो गंदा होने से बचा सकते. कौन कौन से दो वेज होते हैं जिसके ना करने से हमारा जो रिवर्स है, हमारी जो नदियाँ हैं वो स्वच्छ और साफ रहेंगे. आजकल आपने देखा होगा
जितनी भी नदियां हैं, भले वो छोटे हों, भले वो बड़े हैं, भले वो पवित्र नदियां ही क्यों ना हो, लाइक यू सी द गंगा, गंगा नदी हमारी पवित्र नदियों में से होती है, सबसे ज्यादा पवित्र नदी। आज हम उसमें भी देखेंगे तो उसको भी हमने गंदा कर रखा है ना। वी सी दैट द वाटर ऑफ द गंगा रिवर इज ऑल्सो बीइंग पोल्यूटेड। क्यों? क्योंकि आजकल लोगों ने क्या कर दिया, उस पर जाके थ्रो कर देते वेस्ट प्रोडक्ट्स, जो भी वेस्ट होती है वो जाके हम डंप कर देते रिवर्स में। बट हमको सोचना चाहिए, ये हमारा सूत्र है, पानी का सूत्र है, दे आर द नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर। अगर हम उसको ही खराब कर देंगे तो क्या होगा? So we should not do like this. So they are asking you to stop this. What are the two ways by which we can save our waters from rivers? हम हमारे rivers को कैसे बचा सकते हैं? By not throwing waste products. Waste को हम नहीं throw, हमें नहीं throw करना चाहिए। Second, आपने mostly देखा होगा अक्सर नदियों में क्या होता है, अगर पानी कम हो या थोड़ी बहुत भी पानी हो तो क्या होता है, उन नदियों में अक्सर आप देखते हो कि जानवर बैठे हुए हैं। ये वो पानियों में जानवर जाके बैठ जाते, या तो वो जो एनिमल्स का जो ओनर है उसको लेके जाके उसको नहलाते हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे जगहों पे आपने देखी होगी, गांवों की नदियाँ, शहरों की नदी, कोई सी भी नदियाँ, आपने देखा होगा कि हम अपने जानवरों को ले जाके उस पर जाके हम उनको नहलाते हैं। बट डू यू नो उससे क्या हो रहा है? उससे वो फ्रेश वाटर जो वो खराब हो रहा है, वो कंटेमिनेट हो रहा है। फिर वही वाटर हमारे घर तक आते हैं, उसको हम पीते हैं, उसको पीने से हम कि हमें कितनी सारी डिजीजेस हो जाती है ना। तो इसके बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमको हमारे जानवरों को नदियों से दूर रखना चाहिए। कीप अवे एनिमल्स फ्रॉम सच प्लेसेस, सच रिवर सोर्सेस से, हमें वाटर सोर्सेस से हमें एनिमल्स को दूर रखना चाहिए। हमें उनमें वेस्ट प्रोडक्ट्स नहीं डालने चाहिए, ठीक है। ये दो चीज़ों से भी हम अपनी नदियों को बचा सकते हैं, ठीक है। So you can write the two ways in your book itself. You can write by not throwing waste. The first one is by not throwing waste. By not throwing waste. Okay, and the second one is to keep away animals. उनको नहलाने के लिए उनके उसके जो ओनर है, जिसका भी वो जानवर होता है, वो उसको लेके जाके नहलाते हैं। गांव में भी होता है, ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज हो सकता है, या नॉलेज होने पर भी अक्सर आप देखते हैं ये सारे काम प्रैक्टिसेस किए जाते हैं। तो वी शुड नॉट डू सच थिंग्स जिससे कि हमारे रिवर्स कंटैमिनेट हो जाए, ओके। नाउ कम टू द लेसन। दिस इज अ स्टोरी ऑफ टॉम, अ चिमनी स्वीप who loses his way one day. He goes to another town where a kind teacher gives him food and a place to sleep. क्या है? This is the story of Tom. Now, ये कहानी किसकी है? ये कहानी Tom के ऊपर है. ये Tom कौन है? वो एक chimney sweep है. Chimney sweep जो कि एक ऐसा है जो chimney की cleaning वगैरह करते हैं, उनको हम कहते हैं chimney sweep. वो लूजेस हिज वे वन डे, और एक दिन क्या होता है, ये टॉम अपना रास्ता भटक जाता है। ही गोज टू अनदर टाउन वेयर अ काइंड टीचर गिव्स हिम फूड एंड अ प्लेस टू स्लीप, और भटकते हुए दूसरे टाउन में चला जाता है, और वहाँ पे उसको कौन मिलता है, एक बहुत ही दयालु से टीचर मिलते हैं उसको, जो कि उसको फूड एंड प्लेस टू स्लीप, जो कि उसको खाना भी देते हैं और आराम करने के लिए जगह देते हैं। One night, Tom sleepwalks on a nearby river and falls in. One night, एक रात में Tom क्या करता है? सोते-सोते वो नींद में कहाँ चला जाता है? He goes to a nearby river and falls in. वो एक पास की एक नदी में जाके वो गिर जाता है. He turns into a water baby. और जैसे वो उस नदी में गिर जाता है, वो बदल जाता है. वो क्या? वो turn हो जाता है. वो टॉम से क्या बन जाता है? वाटर बेबी बन जाता है, ठीक है।
read on to find how he meets the other water babies who live in this river. अब चलिए हम आगे देखते हैं कि वो किस किस वाटर बेबी से मिलता है. A most wonderful thing happened to Tom. एक बहुत ही अजीब सी चीज होती है टॉम के साथ. He came upon a water baby. वो क्या हुआ, एक वाटर बेबी के पास आता है. A real live water baby sitting on the white sand. वो क्या होता है टॉम, अचानक से वो क्या होता है, वो एक वाटर बेबी के सामने आ जाता है. वो एक जिंदा वाटर बेबी क्या कहाँ बैठा हुआ रहता है, व्हाइट सैंड के ऊपर, सफेद रेत के ऊपर वो बैठा रहता है. एंड व्हेन इट सॉ टॉम इट लुक्ड अप फॉर अ मोमेंट एंड देन क्राइड. और जैसे ही उस वाटर बेबी ने टॉम को देखा, वो एक बार रुका और ठहरा और फिर देखा टॉम को और क्या बोलने लगा, एंड देन क्राइड, व्हाई आर यू नॉट वन ऑफ अस, तुम क्यों हम में से एक नहीं हो, यू आर अ न्यू बेबी, ओ हाउ डिलाइटफुल, क्या तुम एक नए बेबी हो, एक नया जन्म है, और ओ हाउ डिलाइटफुल, और ये कह के वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है. एंड इट रैन टू टॉम एंड टॉम रैन टू इट एंड दे हग्ड ईच अदर. ये कहते हुए वो टॉम की तरफ भागा और टॉम भी उस वाटर बेबी की तरफ भागा और दोनों ने आए एक दूसरे को हग किया. एंड एट लास्ट टॉम सेड, ओ वेयर हैव यू बीन ऑल दिस व्हाइल. टॉम ने हग करके उससे क्या पूछा कि ओ आप कहाँ थे अब तक, आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू फॉर सो लॉन्ग एंड आई हैव बीन सो लोनली. वो क्या कहता है कि तुम कहाँ थे, मैं तो इतना परेशान हो गया और मैं कब से अकेला ही यहाँ पे भटक रहा हूँ. आई हैव बीन हियर फॉर डेज एंड डेज, मैं यहाँ पे बहुत दिनों से हूँ यहाँ पे. देर आर हंड्रेड्स ऑफ अस अबाउट द रॉक्स, और यहाँ पे मेरे जैसे अनगिनत और भी हैं इस रॉक के पास. हाउ डिड यू नॉट सी अस और हियर अस, फिर तुमने हमें कैसे नहीं देखा और हमारे बारे में कैसे नहीं सुना. वी सिंग एवरी इवनिंग बिफोर वी गो होम, हम हर रोज घर जाने से पहले शाम के टाइम पे यहाँ पे रोज हम गाना गाते हैं. टॉम लुक्ड एट द बेबी अगेन एंड देन ही सेड, वेल दिस इज वंडरफुल. टॉम ने क्या किया, ये सब सुनने के बाद दोबारा उस बेबी वाटर बेबी पे को देखा और क्या बोला, वेल दिस इज वंडरफुल, ये तो बहुत अच्छा है. आई हैव सीन थिंग्स जस्ट लाइक यू अगेन एंड अगेन बट आई थॉट यू वर शेल्स और सी क्रिएचर्स, आई नेवर थॉट दैट यू वर वाटर बेबीज लाइक मी. और टॉम ने क्या बोला कि मैंने तो तुम्हारे जैसे पहले बहुत सारे देखे हैं पर मुझे नहीं पता था कि आप लोग हमारे जैसे वाटर बेबीज हो, ये मुझे नहीं पता था. वो क्या सोचता था, जब भी पहले इनको देखा तो उसको क्या लगता था, ये शेल्स है या कोई समुद्री जानवर जीव है, वो उसको ऐसा लगता था. नाउ सेड द बेबी, कम एंड हेल्प मी और आई शैल नॉट हैव फिनिश्ड बिफोर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कम एंड इट इज टाइम टू गो होम. अब वो वाटर बेबी टॉम से क्या कहता है, नाउ सेट द बेबी कम एंड हेल्प मी, आओ और मेरी मदद करो. आई शैल नॉट हैव फिनिश्ड बिफोर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कम, जो भी काम के लिए बुला रहा था वो काम उसका पूरा होता नहीं, उसके मम उसके भैया और बहनों के आने से पहले उसका ये काम होता नहीं एंड और हमारे घर जाने का समय हो जाता. What shall I help you with? अब टॉम क्या पूछ रहा, मैं तुम्हारी कैसी मदद कर सकता हूँ. A boulder came rolling on the poor dear little rock in the last storm and rubbed off all its flowers. वो क्या कह रहा है कि एक बहुत बड़ा मास, एक बहुत बड़ा पत्थर का, बहुत बड़ा पत्थर का जो मास है वो क्या हुआ था, लुढ़कते लुढ़कते क्या हुआ था, वो डियर लिटिल रॉक इन द लास्ट, और जाके क्या हुआ था, वो जो रॉक थी उस पर जाके टकराया था और टकराने से क्या हुआ, उसके जितने भी फूल लगे हुए थे उस रॉक में वो सारे फूल साथ में वो खराब हो गए, नष्ट हो गए. एंड नाउ आई मस्ट प्लांट इट अगेन विद सी वीड्स एंड फ्लावर्स टिल आई मेक इट टू द प्रीटीएस्ट लिटिल रॉक गार्डन. अब वो क्या कह रहा है कि अब मुझे वापस से और भी प्लांट्स को इसमें उगाने हैं और
सी वीड्स और फ्लावर्स को, बहुत सारे फूलों को यहाँ पे वापस से उगाने हैं और बहुत सारे सी वीड, सी वीड्स मतलब वो प्लांट्स जो समुद्र में खिलते हैं, जो समुद्र या में उगते हैं। एंड टिल आई मेक इट अ प्रीटीएस्ट लिटिल रॉक गार्डन अगेन, और पहले जैसा मैं इसको वापस सा एक सुंदर सा एक रॉक गार्डन इसको बनाऊंगा। नाउ द रिमेनिंग लेसन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू इन माई नेक्स्ट क्लास। So till we meet next time, you children go through the first part of the lesson, how much I've explained it to you today, and in my next class I will be continuing with this lesson, the explanation part of this lesson in my next class. Okay, so till we meet next time, it's bye from your ma'am, take care and be happy.